फल का क्या खासियत है? इस फल से जुड़ी जानकारी के लिए यहाँ पे बड़ा सा एक बैनर भी लगा दिए हैं। इसका क्या प्राइस है, कैसे देते हैं? ये जो फल है कहाँ पे पाया जाता है? जो फल है क्या मतलब फरता है लटक के कि जड़ है इसका? इसके ऊपर छिलका उलका भी रहता है क्या जो कटते हैं? यही है कंदमूल जिसका मैं सेवन करने जा रहा हूँ, जो श्री राम जी इसका सेवन किए थे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रज किशोर, आप देख रहे हैं हमारा चैनल डिस्कवर ब्रज। दोस्तों जैसा कि माघ मेले से जुड़ी हर एक अपडेट मैं आपको अपने चैनल पर देते आ रहा हूं, तो दोस्तों ऐसे ही माघ मेले में यहां पे आप देख सकते हैं एक ऐसे फल के बारे में पता चला जिसका नाम है कंदमूल। इस कंदमूल कौन सा फल है, इसके बारे में क्या जानकारी है, ये सब पूरी देने वाला हूं इस चैनल पे अपने वीडियो के माध्यम से। तो चलिए सबसे पहले ये जो फल बेच रहे हैं उनसे इस फल के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए, क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना वास। कहाँ से हैं आप? कानपुर से। कानपुर से आए हैं आप, यही केवल फल ही बेचते हैं? हाँ, हम फल बेचते हैं। कहाँ कहाँ ये मेला मान के चले खत्म होगा तो कहाँ बेचेंगे? तमाम मेला है, दो दिन, चार दिन, एक दिन। अच्छा। यहाँ से हमेशा अयोध्या बेचते हैं हम। अच्छा, तो ये बताइए इस फल का क्या खासियत है? ये फल भगवान राम जी का खाया हुआ प्रसाद होता है। जी जी, इसको खाना जरूरी होता है क्योंकि ये भगवान ने खाया है। जी जी, गंगा में स्नान करने के बाद कंदमूल का आहार किया जाता है। अच्छा। ये रामायण का फल है। अच्छा। व्रत उपवास में भी चलता है। अच्छा। जी तो साथियों, जो भगवान श्री राम जब वनवास पे गए थे तो 14 सालों तक यही फल का सेवन किए थे, इसीलिए भगवान श्री राम को प्रसाद समझकर हम लोगों को भी इसको ग्रहण करना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, इस फल से जुड़ी जानकारी के लिए यहाँ पे बड़ा सा एक बैनर भी लगा दिए हैं जो कि एक ऐतिहासिक प्राचीन फल है। ओके, और यहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो कि अभी बताया उसी के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, और इसका क्या प्राइस है, कैसे देते हैं? 10 रुपये का एक, 20 रुपये का 3 पीस है। ये आप साथियों देख सकते हैं, पीस दिखाइए कैसा है आपका। ये देख सकते हैं, ये 10 रुपये का एक है, अगर 3 पीस लेते हैं तो 20 रुपये का ये आपको मिलने वाली है। और ये बताइए ये जो फल है कहाँ पे पाया जाता है? ये चित्रकूट और नासिक में पाया जाता है। और कहीं नहीं पाया जाता? चित्रकूट और नासिक में पाया जाता है। चित्रकूट और नासिक यानी कि महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। ओके, और ये जो फल है क्या मतलब फरता है लटक के कि जड़ है इसका? जमीन के अंदर होता है। अच्छा, जैसे आलू होती है ये सब? नहीं, जैसे गाजर होता है घर में जी, हाँ। उस तरीके जंगल में पाया जाता है ये। अच्छा, कैसे जानते हैं कि ये फल है, उसका पत्ता कैसा रहता है? इसका पत्ता गाजर जैसा ऊपर पत्ता रहेगा, बाकी सब नीचे। अच्छा, रहेगा जैसा गाजर का पत्ता रहता है वैसे ही रहता है? जी जी। अच्छा, तो अब मतलब आप ही उखाड़ के लाते हैं कि खरीद? नहीं, हम खरीद कर लाते हैं। खरीद के लाते हैं, कैसे केजी बिकता होगा ये वहाँ पर? 400 रुपये केजी बिकता है। ये जो फल आप लेकर आते हैं तो मतलब कि कितने दिन तक ये फल चल जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं? ये खराब नहीं होता है। मतलब कितना साल तक? साल नहीं है, अरे हम साल तक रखे नहीं है। अच्छा अच्छा, बिक जाता है आपका? जी जी जी। मतलब कि 1-2 महीना आराम से मतलब कि ऐसे टिक सकता था, मतलब खराब सड़ता नहीं है? नहीं, सड़ने गलने का चीज नहीं। अच्छा, इसके ऊपर छिलका उलका भी रहता है क्या? जो कि नहीं रहता है, बस नेचुरल है जैसे। अच्छा, नेचुरल ऐसे ही एकदम सेम रहता है, बस ऊपर से केवल जो मिट्टी उट्टी लगा उसको झाड़ देते हैं, उसके बाद काट पीट के मतलब कि सेल कर देते हैं। जी जी। तो एक खिलाइए महाराज जी, देखे कैसा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यही है कंदमूल जिसका मैं सेवन करने जा रहा हूं, जो श्री राम जी इसका सेवन किए थे। साथियों काफ़ी मतलब ठीक है, जैसे कि देखिए आप खाए होंगे, क्या बोलते हैं, गाजर होता है ना, तो थोड़ा का सैलाड टाइप का है, और चुकंदर आप खाए होंगे उसी की तरह ये लग रहा है ये फल। ओके, और कच्ची नारियल आप खाए होंगे उसकी तरह भी ये लग रहा है, मतलब थोड़ा सा कड़वाहट है लेकिन मीठा मीठा मतलब अच्छा है, स्वादिष्ट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अगर आप आते हैं इस मेला में, ठीक है, तो ये फल को श्री राम का प्रसाद समझ के आप सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से अगर जुड़ी कोई और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद।